हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी आंखें खोलने वाली वीडियो लेके आया हूं जिससे देख के आप हैरान हो जाओगे। और मेरे को मेरी कई बार डिस्कस हुई है, काफ़ी पुरानी डिस्कस बता रहा हूँ, मेरी हुई है अपनी डिस्कस किसी के साथ, कई लोगों के साथ हुई थी। तो उन्होंने, जब मैंने क्रिश्चियन का बात किया था कि क्रिश्चियन लोग भी ये कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन इतना वो नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते कि जैसे मुस्लिम कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते, वो उनका जो तरीका है। तो मैं आपको आज एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो पंजाब की है, शायद आप लोगों की आंखें खोलनी चाहिए, मेरे को खोलनी चाहिए कि आपकी भी आंखें खुलेंगी, मेरी तो खुली खुली हुई हैं क्योंकि पंजाब में ये सब चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा ऑल ओवर इंडिया को भी समझ आए कि ये चल क्या आ रहा है। तो पंजाब में कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं, वाक़े हुए हैं, तो हो भी रहे हैं, तो उसमें आपकी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वीडियो के एंड में फिर हम कुछ और बातें बताएंगे, और बातें करूँगा मैं आपके साथ, और बातें आपको बताऊँगा। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। ये वीडियो जो है, ये है पंजाब का ही एक चैनल है, पंजाब सिंह के नाम का चैनल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हो जाके। तो इन्होंने जो मुद्दा उठाया है या टाइटल भी दिया हुआ है, ईसाई कैसे करते हैं धर्म परिवर्तन, ठीक है, और क्रिश्चियन कन्वर्ट इनोसेंट सिख हिंदू सिख इन पंजाब, हिंदुओं को भी ये कन्वर्ट कर रहे हैं। उनका तरीकेकार आपको बताता हूँ कि पंजाब में कैसे चल रहा है, ठीक है। हमको लगता है कि ये मुस्लिम में ही कॉन्सेप्ट है कन्वर्ट करने का, ये पंजाब इसके क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन ये होते हैं रेडिकलाइज होते हैं या ये होते हैं मुस्लिम की तरह, नहीं है, लेकिन इनका तरीका अलग है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये आपको तरीका पता चलेगा, उनकी मुँह ज़बानी जिनको ये कैसे उनको अपने बातों में लेके आते हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ। ਪਾਦਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਪਾਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗਏ ਕਿਉਂ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਾਪੂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਹੈ, तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ये जो भाई हैं जो खड़े हुए हैं आप देख रहे हो, जिन्होंने पोस्टर उठा रखा है, इनका बेटा था, ठीक है, तो इनको मना किया गया कि आपने मंदिर नहीं जाना है, हमारे पास आओ। चर्च वालों ने कहा कि हमारे पास आओ। ये पादरी, आपको पता होगा प्रीस्ट होता है, वो इसमें ये भी बता रहे हैं कि वो पिछले दिनों में मर गया है, अपने अभी मर गया, हार्ट अटैक या किसी से मर गया, मारा नहीं किसी ने, ये मत गलत मत समझ लेना। तो ये इसमें ये चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी जो ये सरदार हैं, ठीक है, ये पंजाबी में इसमें क्योंकि पंजाब में बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ये गुरुद्वारे भी जाते हैं। देखो, मंदिर मैं भी जाता हूँ गुरुद्वारे में, लेकिन मेरे को ये नहीं बोला जाता कि आप मंदिर गुरुद्वारे मत जाना, वहाँ पे मेरे को ये नहीं बोला जाता। या गुरुद्वारे में जो जाते हैं उनको ये नहीं बोला जाता कि आपने मंदिर मत जाओ, सिर्फ गुरुद्वारे में ही आओ आप, ठीक है, तो यहाँ से हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी मिनूटली समझनी है कि जो क्रिश्चियन है वो क्या कर रहे हैं, कि आपको तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने एक बात बोली है सरदार जी ने कि वो अपने जो बाप से ही टूट गया, जो अपने रूट से ही टूट गया वो क्या करेगा, ठीक है। तो हम अपने रूट से क्यों टूटे, वो हमें अपने रूट से तोड़ के कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को इनका बेटा ठीक हो जाता है तो वो बोलते हैं कि अब तुम क्रिश्चियन अपना लो,
ठीक है, तो आगे सुनते हैं क्या बताते हैं, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। ना सुनन आउंदियां साडे कोल, इक बापू आउंदा आपदे पुत नूं लै के, अमृतधारी बापू सी। अमृतधारी होता है कि जिसने कृपान वगैरह डाली होती है ना, जो गुरु का सिख बन जाता है, जो यानी कि पक्का हो जाता है कि गुरु के कदमों पे ही चलना है। जैसे मैंने अमृत नहीं छका हुआ है, जो अमृत छका हुआ है ना, उसने बड़ी दाढ़ी रखी होगी और कृपान डाली होगी, उसको अमृतधारी सिख बोलते हैं। तो वो बता रहे हैं कि उसका बापू, लड़के का बापू, बापू मतलब फादर, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारी कंप्लेंट आती है, तो उन्होंने भी उसकी स्टोरी बता रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं। गल्लां सुनन आउंदियां साडे कोल, इक बापू आउंदा आपदे पुत नूं लै के, अमृतधारी बापू सी। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊ ਗਾਤਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ हैरानी की बात है कि एक बंदे ने अमृत छका हुआ है, यानी कि गुरु का सिख बना हुआ है, और क्रिश्चियन ने बोला है कि तुम्हें ये उतारना पड़ेगा, तब तुम हमारे गिरजा घर में आ सकते हो। ये कभी नहीं हो सकता। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, हिंदू से किसी अमृत छका हुआ बंदा अगर मंदिर में आता है, क्या आप लोग बोलते हो कि उसको कि पहले तुम ये अपना जो अमृत छका हुआ है ये उतारो, फिर तुम इसमें एंट्री करोगे? या कोई गुरुद्वारा बोलता है कि आपने जनेऊ बनाया हुआ है, आप पंडित हो, आप गुरुद्वारे में नहीं आ सकते? कभी नहीं होता। ये देखो, ये होता है ये दिमाग, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये मैं नफरत या हेट नहीं, ये सिर्फ एक आपके लिए अवेयरनेस है कि कैसे काम चलता है। सुनिए आगे। क्या है जरा लाना पऊ गात्रा, जिथे होना वा, तो उन्हें अपने पुत नु ठीक कर ली, गात्रा भी लाता। 10 साल श्री साहब लाउण तो बाद उत्थे जांदा रहा, उत्थे सेवा करदा रहा चर्च च। 10 साल उसने अपना यानी कि वहां पे सेवा की, वहां पे चर्च में जाता रहा। उसने अपना जो गात्रा बोलते हैं, ठीक है, सिरी साहब सेम चीज है, सिरी साहब और गात्रा वही होता है जो आपने देखा होगा सिखों ने डाला होता है, वो परमानेंट होता है, वो कभी भी जिंदगी में जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो नहीं उतरता, ठीक है। जब उनका लास्ट होता है ना, जब उनको आके जलाया जाता है, अंतिम संस्कार भी होता है, तब भी वो साथ में ही उसको आग के हवाले कर दिया जाता है, ठीक है, बीच में ही उसके साथ ही जाता है, ठीक है। तो वो जिंदगी में एक बार जो सिख पहन लेता है तो वो कभी उतारता नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन उस बाप ने अपने बेटे की खातिर अपने जड़ों से टूट गया। ये देखो, ये होती है आपका कच्चापन, अंदर से आप कच्चे हो। अगर आप किसी के साथ जुड़ गए हो तो आपको उसके साथ उसको फॉलो करना चाहिए। ये हमारे में भी घाट है, हमारे में कमी है ये, ठीक है, कि हम जिसके साथ जुड़े होते हैं हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे आप कोई बंदा है शिव जी को मानता है, ठीक है, वो अब शिव जी को मानने के बजाय किसी और को चीज को मानना है, शिव जी को उसने छोड़ दिया, क्यों भाई? आपको इतना ही बस विश्वास था, आपको उसी चीज पे चलना चाहिए। जो चीज आप कर रहे हो उस पे आप पक्के रहो, ठीक है, इधर उधर मत भटको जाके। हिसाब लाने तो बाद वो उत्थे जांदा रहा, उत्थे सेवा करदा रहा चर्च च, तां पुत मेंटल हुंदा गया, अखीर नूं बंधता पुत। 10 साल पुत संगल नाल बन्नी रख्या बापू ने, संगल के साथ बांध के रखा गया उसको चर्च में, उस लड़के को। ये देखो, मेंटल हुंदा गया, अखीर नूं बंधता पुत। 10 साल पुत संगल नाल बन्नी रख्या बापू ने, श्री साहब उतारता, उतार के गिरजाघर च सेवा करदा रहा, ते 10 सालां बाद इत्थे लैके आए। अज ओह पुत बापू दा बिलकुल ठीक आ, तंदरुस्त हो गया दवाई नाल। उन्हां ने दवाई नहीं दवाई, बस उन्हूं इह गल जरूर कही गए भी तुसीं बस गुरुद्वारे नहीं जाणा, तुसीं इत्थे आया करना, तुहाडा पुत ठीक हो। असीं अब देखो, उन्होंने इतना तसद्दुस किया, 10 साल सोचो किसी को संगल के साथ बांध के रखना, और ऊपर से उसको कहा गया कि तुम गुरुद्वारे वगैरह, आपकी मन्नत होती है, जैसे आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो भगवान को जरूर याद करते हो कि हे भगवान हमारे पे कृपा रखना है, इसको ठीक करना है, दवाई भी देते हो, ठीक है, दुआ और दवाई साथ साथ चलती है। अब वो उन्होंने वहां से छोड़ के जब यहाँ पे आया, दवाई भी ली, ठीक है, दवाई लेके वो अब ठीक हुआ है। तो ये है मेंटेलिटी। चिंती करते हैं, इस तरह के चक्कर ना पाओ किसी नूं भी, आपां जिम्मेवारी दे नाल समाज की सेवा करिए। आपां जे सही सेध नहीं दे सकते तो गलत सेध भी ना दईए। ये बातें हैं कि क्रिश्चियन को ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो उसको गलत रास्ता भी मत दिखाओ।
ठीक है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हर एक के लिए ये एक मैसेज है, अगर आप किसी को सही रास्ता नहीं ना दिखा सकते तो आप उसको गलत भी मत दिखाओ, उससे पीछे हट जाओ। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, हर एक बंदे से रिक्वेस्ट है। तो बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। लेकिन ये क्रिश्चियन जो पंजाब में चल रहा है, ये मैं एंड में बताऊंगा ये पंजाब में कैसे चल रहा है। इस तरह धर्म चेंज करा के बंदियां नूं ठीक नहीं किया जा सकता, इस तरह धर्म बदला के अपने धर्म नूं प्रफुल्लित भी नहीं किया जा सकता। ऐसे धर्म आप परिवर्तन किसी का चेंज करके, ठीक है, आप क्या सोचते हो कि आप किसी का धर्म चेंज करते हो? मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपसे मुराद ये होती है जो करते हैं, जैसे आप क्रिश्चियन वालों ने शुरू किया हुआ है, ये तो पुराने मिशनरी क्रिश्चियन का है ये, कि हिंदुओं को या मुसलमानों को, इवन मुसलमानों को भी करते हैं, सिखों को, लेकिन मुसलमान होते नहीं, वो कट्टर होते हैं अपने धर्म के। खराबी कहाँ पे आती है? जो सिखों और हिंदुओं में, ठीक है, इनको लालच मिलता है, पैसे का लालच मिल जाता है, या फिर इनका क्या होता है कि ये ठीक हम कर देते हैं, वो बाई चांस खुदा भगवान की कृपा होती है कि बंदा जैसे 6 महीने बाद ठीक ही होना होता है, भगवान ने कहा जा, लेकिन ये चेंज करके वहां चले, फिर वो सोचते हैं कि इसने ही किया है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो किसी का धर्म परिवर्तन, किसी को तोड़ के आप अपना धर्म को प्रफुल्लित नहीं कर सकते, यानी कि अपने धर्म को आप ग्लोरीफाई नहीं कर पाओगे। तो साड़ी ये बेनती आ, ये भाई बेचारा खड़ा रो रहा अपने पुत दे लई, उस समय पास्टर की छोटी जी एक गलती ने इन्हों का जवान पुत जिहड़ा कॉलेज पढ़ता सी, हितेश कमल उम्र 27 साल, कद 5 फुट 8 इंच, पुत्र बलबीर सिंह, बलबीर चंद बासी खोथड़ा, जिला बहराम, जिला थाना बहराम, जिला नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर। दिमागी तौर पर अपसैट है, 23/3/21 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ 800 ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, 803 ਜਾਣੇ। यहाँ तक की थी वीडियो भाई लोगों, आप लोगों ने देखा कि ये एक, मैंने आपको ये एक कॉन्सेप्ट दिखाया, क्योंकि मेरी ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेरी बहसबाजी हुई थी कई लोगों से साथ, तो उन्होंने क्रिश्चियंस का मेरे को बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ये एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, हर एक चीज़ का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब इनका बेटा, अब इन्होंने गुमशुदा हो गया है, ठीक है, आप सोचो कि 10 साल या किसी बंदे को, जो इन्होंने बताया कि जो दूसरा बंदा था उसको 10 साल रखा, इनका बेटा भी देखो वहाँ लेके गए, ये अपने उसमें करते मेडिकल उसको दिलवाते या मेडिकली उसको कोई चीज़ करवाते तो वो ठीक होता था, जो अपना भगवान था या जिसको ये मानने वाले थे, हिंदू भाई थे, ठीक है, उनके दर पे जाते, ठीक है, वहाँ पे माथा टेक के, क्योंकि ये क्या होता है कि ये विश्वास होता है, सिर्फ एक ये मन का विश्वास होता है, ये हमें ताकत देता है किसी चीज़ को सहने की, जो भगवान हम कहते हैं ना कि जो करता है भगवान करता है, वो अपने मन को तसल्ली देते हैं, हमने अपनी आत्मा को ताकत देते हैं कि हम ताकतवर हो सके अंदर से, ठीक है, भगवान पे छोड़ देते हैं ताकि हमें ये लगे कि हमारे साथ भगवान है। और जो बाकी मेडिकल करवाना है या जो कुछ करवाना है वो हमें लग से करवाना पड़ता है इलाज, ठीक है, तो दोनों प्रोसेस चलते हैं। तो मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ, इसमें क्या होता है कि जो ये क्रिश्चियन, मैं ये उनको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सेक्ट्स हैं जो कर रहे हैं, ये मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी वाले करते हैं, ये क्या करते हैं कि आपको ना चीज़ें दिखाते हैं, वो आपने बड़ी वीडियो देखी है, वो कांपते ठीक हो जाते हैं, ये करते हैं, वो उसे करते हैं, वो दो तरीके से आपको ये चीज़ों में लेके आते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि ये क्रिश्चियन ये वो हैं, आपको ठीक कर देंगे, ये हो जाता है। आप मान लो कि 10 बंदे गए हैं, 10 बंदों में से अगर उसमें से 4 बंदे भी ठीक हो गए, 6 बंदे नहीं होते, ठीक है, तो 4 बंदे वो मेडिसिन भी ले रहा था या वो उस वहाँ पे भी जा रहा था, क्रिश्चियन के पास जाना शुरू कर दिया, यानी कि किसी और धर्म वाले ने, तो वो वहाँ से ठीक हो गया, तो कल को वो वही वो सोचेगा कि ये क्रिश्चियन ने ठीक किया, ये मेरा जो मेरे भगवान थे वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर सके, जब कोई और नहीं कर सका उसने ठीक कर दिया, हालांकि वो उसका टाइम होता है, ठीक है, कोई चीज़ कई बार अपने आप ठीक हो जाती है या फिर मेडिसिन लेने से भी ठीक हो जाती है, तो वो चीज़ वहाँ पे प्रोसेस हो गया, मेरी बात फॉलो कर रहे हो, वो वहाँ पे प्रोसेस हो गया, तो वो उसी को मानना शुरू कर देता है,
कि उसने किया, तो वो फिर क्रिश्चियन वाले क्या कहते हैं कि आप हमारे इसको अपना लो, अब वो ऑब्वियसली बंदा वो उसके तरफ चले जाता है। तो ये एक तरीका होता है उनको लेके जाने का, ठीक है। दूसरा उनका यहाँ पे इंडिया में क्या, अपने पंजाब में क्या चल रहा है, इंडिया का तो अभी तक मैंने कोई वीडियो ऐसा देखा नहीं, लेकिन पंजाब में मैंने बहुत सारा देखा है। पंजाब में क्या प्रोसेस चल रहा है कि उसको लालच दिया जाता है, तुम्हें कनाडा ले जाएंगे, तुम्हें अमेरिका सेट करा देंगे, तुम्हें ये, आप इसको छोड़ो, आप इसमें कन्वर्ट हो जाओ। तो कन्वर्जन में पैसे का भी लालच दिया जाता है, जो गरीब होते हैं बेसिकली ये पकड़ते हैं उन लोगों को जो गरीब होते हैं, जो खुद अमेरिका कनाडा जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन जा नहीं पाते पैसे की कमी से, या फिर जिनके पास खाने को नहीं होते, कम पैसे होते हैं, तो उनको कन्वर्ट करते हैं ये, उनको तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारा अपना लो, जीसू को अपनाओ और हम आपको कनाडा, और करवा भी देते हैं नो डाउट, उनकी फैमिली का ये उठाते भी हैं, बोझ भी उठाते हैं, उनको पेमेंट भी करते हैं, 5,000-10,000 महीना लगा भी देते हैं, ये ऐसे काम चलते हैं। तो ये आम ये भी एक तरीका होता है किसी को कन्वर्ट करने का, ये जोर जबरदस्ती नहीं करते, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये लालच के तौर पे आपको लालच ही एक ऐसा दे दिया जाता है जिस आप उससे पीछे हट नहीं सकते, ठीक है। आप किसी का बेटा बीमार है या कुछ बीमार है, वो बंदा दर दर पे भटकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जिसको मानते हो ना, आप उसी को मानो। ये बाबो शाबों के जो बाबे के पास चले जाते हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं करना है भाई, ये इन्होंने कुछ नहीं करना है, आखिर ऊपर जो भगवान बैठा हुआ है, ठीक है, उसी ने ही सब कुछ करना है। ये इंसानों के पास आप जाते हो, इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान के उनके खुद के हाथ में कुछ नहीं होता है। आप जिनके पास जाते हो मानने के लिए, ये बाबे के पास चले गए या किसी संत के पास चले गए, उसने क्या करना है, वो आपको राह दिखाता है, वो आपको ठीक नहीं कर पाएगा, वो जो जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ उसको चेंज करने का उसमें ताकत नहीं है, वो नहीं चेंज कर पाएगा वो चीज़ आपके लिए। आप दुआ मांग सकते हो, आप उसके लिए दवाई ले सकते हो, दवाई और दुआ साथ साथ कर सकते हो, लेकिन आप अपने जो भगवान को, जो मेन है, मेन बंदों को मानो ना, अब नीचे वाले बंदों को मानने की जरूरत नहीं होती। इंसान दूसरे इंसान का दुख दर्द नहीं दूर कर सकता, ठीक है, ये आप सोच के चलो। और मैं यही चाहता हूँ, और मेरे सारे सिख भाइयों से और हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी जड़ें मत छोड़ो किसी के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिल पत्थर रख के बोल रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा या आपका बच्चा अगर बीमार है, अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, अगर उसने ठीक होना है तो जो जिसको आप मान रहे हो उसी के थ्रू हो जाएगा, वहाँ जाके भी नहीं होना, अगर उसने ठीक होना है तो यहीं पे हो जाएगा, वहाँ जाके भी नहीं होगा, जो मर्जी आप कर लो, जैसे मर्जी मेरी बात को ले लो, ठीक है। जिसको मानते हो उसी को मानते हुए एंड तक उसी के साथ रहो, ठीक रहेगा। और सिख भाइयों को ये बड़ा गलत हुआ है कि एक बंदा जैसे आप पंडित होता है, मैंने जहाँ तक हमने यहाँ देखे हैं, जिन्हें उड़ाला होता है, ठीक है, पीछे छोटी सी चुटिया रखी होती है, तो वो पंडित होता है, प्योर पंडित होता है, ठीक है, वो आम लोगों से ऊपर होता है, ठीक है। अगर उसको वो छोड़ के, अपना धर्म छोड़ के, ठीक है, मुसलमान बनने की कोशिश करे या क्रिश्चियन बनने की कोशिश करे, ये बहुत गलत बात है, उसको बनाया जाए या कोई लालच दे के, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे गुरु का सिख बन गए हैं अमर शक्के, तो वो पक्के होते हैं, उनको उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, ये बहुत गलत है। मेरे सिख भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान दिया जाए, और हिंदुस्तान भाइयों से, हिंदुस्तानी भाइयों से, बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन बातों का ध्यान रखें, अपने आस पास जो लोग आपको ऐसी चीज़ें से करते हैं उनको समझाइए कि ये काम मत कीजिए, ठीक है। अपनी जड़ों से जुड़ के रहेंगे तो आबाद रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, अपनी जड़ें छोड़ के जिस दिन, उस दिन आप खत्म होते जाओगे। तो हमें अपनी जड़ों के साथ रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई किसी को मानता है तो उसी को ही माने, बस एक का लड़ मतलब होता है कि आप अगर एक के पीछे लग गए हो ना, तो एक के पीछे ही लग के रहो। अगर एक को बाप बनाया तो बाप एक ही रखो, बाप बदलो मत, एक ही बाप को रखो, ठीक है। तो मेरी सबसे, मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाई है कि ये कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियंस में भी, तो आपको मैंने आंखें खोली हैं कि आप अगर आपने आसपास पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई चीज़ें देखो तो उस बंदे को समझाओ जाके। मेरी बातें ये आपको समझ आनी चाहिए कि अपने बाप को कभी मत बदलो, ठीक है। बीमारियां जो होती हैं क्या उनको नहीं आती, क्या उनका जो आपको कहते हैं कि हमारे पास आओ हम ठीक कर देंगे, क्या वो कभी बीमार नहीं होते,
उनको कोई बीमारी नहीं होती, वो हॉस्पिटल नहीं जाते। दूसरों को मना करते हैं कि आपने हॉस्पिटल नहीं जाना है, दूसरों को मना करते हैं कि आपने कहीं नहीं जाना, वो खुद बीमार होते हैं। जिन संतों के पास आप जाते हो या जिन उनके, वो बीमार नहीं होते, वो कैंसर से नहीं मरते, वो हार्ट अटैक से नहीं मरते, सब मरते हैं। ये बहम होता है कि हम ये इंसान के पास जाएंगे, ये संत महात्मा के पास जाएंगे, ये ठीक कर देगा। उससे खुद से पूछो, तू कितनी बार बीमार होता है, कितनी गोलियां तूने खाई हैं आज तक। ऐसा नहीं होता भाई। भगवान एक अंदर की आत्मा होती है, हमें अपने अंदर की आत्मा पे विश्वास रखना होता है, उसके हिसाब से चलना होता है, उसके हिसाब से हमें इलाज भी करने होते हैं। अगर भगवान हमें शक्ति देता है, किसी हमें कोई घाटा हो जाता है, हम भगवान की शक्ति क्या लेते हैं कि नहीं, हमें उससे प्रेरणा लेते हैं कि हमें और काम करना है, भगवान हमारे साथ है, जो किया भगवान ने अच्छा किया, उससे हमारी अंदर की आत्मा को शक्ति मिलती है, प्रसन्न मिलता है कि हम और आगे बढ़े, फिर काम दोबारा लग जाते हैं। ये होता है भगवान का काम, ठीक है। बाकी जो आपकी किस्मत में भगवान ने ऊपर से लिख के भेजा हुआ, उसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती, वो आपके साथ होना है और होके ही रहेगा। अब जहां मर्जी भाग लो, अगर आपने आपने कैंसर से मरना है, ठीक है, आप लाख इलाज करा लो, आपने मरना ही है। वो हम जरूर करते हैं कि उसका इलाज करवाते हैं, कोशिश पूरी करते हैं भगवान के साथ, लेकिन उसकी रजा में रहते हैं। वो चाहता था कि आप ऐसे ही करो, हो सकता है कि कर्मों का फल ले रहा हो आपसे, आपको कोई आपका जो बेटा है या कुछ है, जो उसकी जो उसकी डेथ होती है, क्या पता भगवान आपने ऐसा कोई पिछले जन्म में या पिछला कोई अभी कांड किया हो जिसकी वजह से आपको वो, हम ये चीजें नहीं सोचते। हर चीज का निपटारा यहीं पे हो जाता है, हर चीज को आपको यहीं पे दुख सुख यहीं पे जीना मरना है, आपको दुख भी यहीं मिलेंगे, सुख भी यहीं मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अपनी जड़ों से कभी मत टूटो। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये अवेयरनेस पूरे अपने वहाँ पे फैलाइए, लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, आपके हिंदुस्तान भाई की ये आप वीडियो को अवेयर करने के लिए थी। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस वीडियो पे, ठीक है, और सब्सक्राइब करके इस चैनल पे सोल्जर बन जाओ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव, ऐसी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूँगा, और पाकिस्तानियों को तो ठोकना ही है, ये हमारा तो मेन टीचर है ही है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।